एज वेल एज प्राइमर लगाया फेस क्लीन करने के बाद। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, तीन पार्ट में डिवाइड करना है। अगेन फॉरहेड थोड़ा सा छोटा है तो हम हेयर में काम करेंगे। दूसरा आईज थोड़ी सी छोटी है तो हमें बड़ा दिखाना है। तीसरा फेस स्ट्रक्चर जो इसका चबी है ऑलरेडी, बस इसको और ज़्यादा हमें हाईलाइट करना है। ट्रीज एंड बेलीज को हमें प्रॉपर्ली इन्हांस करना है, राइट। लिप्स में नीचे का लिप्स थोड़ा सा बड़ा है पर ऊपर का लिप्स छोटा है, उसको हमें बैलेंस करना है, राइट। और आँखें जो है सबसे ज़्यादा थोड़ी सी डीप सेटेड है तो उसको हमें डिमोस करके उभारना है, ठीक है। तो हमेशा किसी चीज़ को उभारने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीज बताई थी आपको कि पूरा मेकअप दो चीजों पे है कि अगर किसी चीज को उभारना है तो लाइट कलर लेंगे और जहाँ पे जिस चीज को हमें दबाना है छुपाना है वहाँ पे हम गहरा कलर लेंगे। तो आईज हमारे डीप सेटेड है तो हम क्या करेंगे, लाइटर टोन ले जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी चीज पर्सनैलिटी, उसके बाद आपका कॉस्ट्यूम। ठीक है, अभी हमारा थीम क्या है, इंडो वेस्टर्न लुक, राइट। तो इंडो वेस्टर्न लुक, क्रिश्चियन ब्राइड, कैथलिक ब्राइड, ये सेटल लुक होता है। फॉरेन कंट्रीज में हमारे तरह शिमर ग्लिटर ये सब नहीं लगाते, शिमर लगाते लेकिन ग्लिटर नहीं लगाते, स्पार्कल्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। लुक का बहुत सेटल लुक होता है। तो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो टोटली सेटल लुक करने जा रहे हैं, न्यूड मेकअप जिसको हम लोग बोलते हैं हम वो करते हैं, राइट। जबकि हमें न्यूड मेकअप करना है, ज़्यादा आई मेकअप पे हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटली काम नहीं करना है या डीप उसमें काम नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरह का काम कर सकते हैं। स्मोकी मेकअप देखना है या न्यूड देखना है, न्यूड देखना है। चलिए न्यूड मेकअप के लिए सबसे पहले हम बेस बनाते हैं। बेस पे अगेन हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेट करेंगे, किन चीज़ों का, हम ये देखेंगे कि हमारी जो मॉडल है उसकी स्किन में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखो जल्दी से, और जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, अच्छे बच्चों की तरह सब बताओ, सब लोग सारे प्रॉब्लम्स गिनाना शुरू करो। नजर आ रहे हैं और ये वाला पार्ट ये थोड़ा सा हम दबा सकते हैं क्योंकि और ज़्यादा उसके फीचर्स इन्हांस होंगे, ठीक है। नोज यहाँ से कट करनी पड़ेगी क्योंकि आगे से थोड़ी सी पॉइंटेड है और यहाँ से थोड़ी दूरी हुई तो यहाँ से हम लोग कट टोरिंग देंगे तो फीचर्स जो है वो प्रॉपरली हाईलाइटेड हो जाएगा, राइट। और फेस में अनइवन स्किन टोन है, ये किसी ने नहीं दी, हाँ मंकी माउस जिसको हम लोग बोलते हैं, अनइवन स्किन टोन बोलते हैं, राइट। तो अनइवन स्किन टोन है उसको हमें इवन टोन में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, अंडर बेस बनाना होता है, राइट। तो अंडर बेस में इसकी स्किन का जो टोन है वो येलो है, ओके येलो ये आपका, यस ठीक है। तो जहाँ मंकी माउस वाला पार्ट है वहाँ पे मैं स्लाइटली ग्रीन कंसीलर ले रही हूँ, इसको मैं कंसील कर रही हूँ। इवन टोन करने के लिए मैंने अंडर बेस अंडर कोट लगाया, क्वांटिटी देखते रहिएगा, क्वांटिटी में कितना कम लगा रहे हो, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हो, लेकिन मेरा इवन टोन भी स्प्रेडिंग प्रॉपर होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। रोज में जो कॉर्नर्स है इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है हमें। अभी देखिए थोड़े कम हो गए क्या, और ठीक है। और प्रोडक्ट कितना लगाया मैंने, बहुत ही कम क्वांटिटी में, राइट। सेम प्रोडक्ट बहुत कम, थोड़ा सा नोज पे भी मुझे थोड़े से इवन टोन नजर आ रहा है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा अंडर टोन जो है वो नोज पे भी कर रही हूँ। पाउडर बना रहा है। छोटी छोटी सर्कल्स बनाते हैं तो इसके अंदर अच्छे से मोल्ड करना होगा। जब भी ब्यूटिशियन काम करती है उसकी चूड़ियाँ नहीं बजनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्लाइंट्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, उसका ध्यान वहाँ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो आप सिंगल सिंगल कड़ा पहने, दो पहने। तो मैंने क्या किया, अभी एक को फिक्स कर दिया। और इस तरह से अगर आप कोटिंग करते हो तो आपका जो मेकअप है वो सैटन लुक के साथ में बहुत देर तक आपका मेकअप काला नहीं पड़ता है, बहुत देर तक आपका मेकअप टिका रहता है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेक्निक है। दूसरा स्किन के अंदर जो उसका ग्लो है वो भी मेंटेन रहता है। मेरे फाउंडेशन में जितना भी मैंने शेड लिया सब में आपको येलो टोन नजर आ रहा होगा, राइट? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर डार्क सर्कल, पिगमेंटेशंस ये सब बहुत ज्यादा डार्क होते, राइट? तो मैं क्या करती थी, या तो मैं डरमा लेती थी, पहले डरमा से मैं कवर करती हूँ, फिर उसको लॉक करती, फिर मैं सुपरा से प्ले करती हूँ, तब ये प्रॉपरली लॉक होता और अच्छी तरीके से ये लास्टिंग भी देगा, अदरवाइज ये लास्टिंग नहीं देगा। यहाँ पे भी ये जगह जो है हमारी लाफ्टर लाइन, यहाँ पे भी अगर आप ज़्यादा कोटिंग करते हो तो क्या होता है, ये जगह भी आपकी लाइन्स आने लग जाती, लाफ्टर लाइन्स नज़र आने लगती है। तो हमेशा ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने प्रोडक्ट लगाया, उसको इवन ऑन करने के लिए मैंने मैजिक ब्रश लिया, उसको सर्कुलर मोशन में स्मूथली देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला सर्कल लिया। अगर मैं ऐसे लेती थी तो क्या होता था, सारे बालों में फाउंडेशन आ जाएगा, राइट? तो आपको ये मोशंस का भी ध्यान रखना है कि जहाँ जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके जो मोशंस है उसको हमें अवॉइड नहीं करना, उसको भी हमें ध्यान देना है, राइट? या मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है आपको, एक बार बोला कि आपका फोन साइलेंट होना चाहिए तो सबका फोन साइलेंट है। जॉनी भैया हां जी, आपका क्या लग रहा है? सब का फोन साइलेंट है। अभी तक तो मैं नाचते रहते लगा इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है, कहना माना आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात। नहीं तो जनरली हम लोग जाते हैं ना कहीं, जनरली जाते तो क्या होता है, थोड़ी देर में फिर वापस किसी ना किसी की रिंगटोन बजती है, तो फिर वो डांस चलता ही रहता है, अलग अलग रिंगटोन में नाचते ही रहते हैं। ये जब तो बहुत हाथ दर्द होने लग जाते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा ब्लीडिंग अच्छे से अगर करते हो समटाइम्स आपके मेकअप में इतना ज़्यादा डिपेंड करता है आपने प्रोडक्ट क्या लगाया है और कैसे लगाया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिना ब्यूटी ब्लेंडर के भी मेकअप होता है लेकिन प्रोडक्ट क्या लगाया है कैसे लगाया है ये इम्पोर्टेंट। नॉर्मल बेस बना है, नॉर्मल बेस के बाद में हम कंटूरिंग और हाइलाइटिंग करेंगे। सी ये बिल्कुल बेसिक बेस है हमारा, ठीक है। हमेशा मेकअप को दूर से भी चेक करते रहना है क्योंकि हम लोग सैलून में काम करते हैं तो क्या होता है हमारे पास में मिरर होता है सामने। आपको देखने का जो टेक्निक है वो ये होना चाहिए, सामने मिरर में आपको देखना है फ्रेम में कैसा आ रहा है, दूर से कैसा दिख रहा है। लाइटिंग फैसिलिटी जो है वो भी इस टाइप की होनी चाहिए, हमारे पास येलो लाइट वाइट लाइट दोनों ही होनी चाहिए। अगर हमें लगता है अंडरग्राउंड को कवर करना है काफ़ी देर तक तो हम क्या कर सकते हैं इसको एक बार के लिए हम लोग लॉक भी कर सकते हैं, खास तौर पे जो हमारा अंडर आई डार्क सर्कल वाला एरिया है वहाँ पे मैंने क्या किया इसको पाउडर से लॉक कर दिया। ताकि ये डार्क सर्कल्स जो है वो वापस विजिबल ना हो जाए। डार्क सर्कल वाला एरिया है या मंकी माउस है छोटे एरिया में काम करना है, वहाँ पे हमेशा छोटा ब्रश लेना है आपको। देखो अगर मेरा आई शेडो का ब्रश है, अगर मैंने क्लीन करके नहीं रखा होता तो क्या होता, आई शेडो बच जाता। हमेशा ऑल टाइम आपने देखो मैं जैसे से काम करती हूँ तुरंत उसको क्लीन करती हूँ, आपसे बात करते करते मेरे हाथ चलते रहते हैं। ये हैबिट आप कुछ चीज़ देख भी रहे हो ना सामने तो भी आपका हाथ चलना चाहिए, मतलब क्लीन करना है बस उस एक सेकंड का भी। ब्राइट के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारा वो एक सेकंड भी बहुत कीमती होता है। अब इसका मेकअप आप देखना जैसे जैसे ये टाइम ज़्यादा लेगा ना वैसे स्किन के अंदर मर्ज होकर ग्लो पड़ेगा। इसका ये पहले जब किया था और अभी में इसका जो कलर है और मतलब निखर के आ रहा है चलिए अब हम काम करते हैं हमारे पिंटोर एरिया के लिए। पिंटोर है